आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के चलते कुछ फैक्ट्रियों में सभी कर्मचारियों को मास्क पहनाया जा रहा है। फैक्ट्री में प्रवेश करने से पहले सभी के हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सभी की स्क्रीनिंग भी की जा रही है, अगर कोई भी संदिग्ध पाया गया तो उसे तुरंत अस्पताल भेजा जाएगा। आज जो हमारा प्रोडक्शन बन रहा है वो कल कौन से देश में कहाँ रुक जाएगा, कितनी रिस्क है। अभी काफ़ी माल इस हफ्ते में इटली में गए हैं, वो सी पर हैं, मुझे नहीं लगता कि वो छुड़ाएंगे। बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी पर भी जा सकती हैं, वो तो आर्थिक हानि तो अलग बात है। अभी सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए। आज अभी हमने अपनी जो आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स चैम्बर है उसकी एक आपातकालीन बैठक हम लोगों ने अभी की, अभी थोड़ी देर पहले ही वो बैठक समाप्त हुई है। उसमें ये निर्णय लिए गए हैं कि सब जितनी भी भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल अक्षरतः पालन किया जाए, WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनको पालन किया जाए। हर कोई भी जो भी फैक्ट्री में एंटर करता है उसकी स्क्रीनिंग, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। अगर यदि कोई भी वर्कर में कहीं कोई खांसी, सिर दर्द या जुकाम या वायरल की कोई शिकायत नज़र आती है तो उसको सीधा वापस भेजा जाए और उसकी पेड लीव दी जाएगी। ऐसे निर्णय यहाँ लिए गए हैं और यहाँ तक भी किया गया है कि यथासंभव जिनको लगता है कि वो इन नियमों का पालन पूरी तरह से करा पाने में सक्षम नहीं है तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि अपनी फैक्ट्री को बंद रखें। तो फैक्ट्री IIF में एक बहुत बड़ा निर्णय ये रहा है कि अगर कोई वर्कर इस तरह से अगर पाया जाता है उसके पहले तो सैनिटाइज कराते हैं, सैनिटाइज कराने के बाद स्क्रीनिंग होती है। अगर किसी में खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी शिकायत अगर आती है तो उसको तुरंत फैक्ट्री से बाहर किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये था आजीविका का, अगर लेबर अगर मान लीजिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बैठती है तो उसके परिवार का क्या होगा। FMEC के अध्यक्ष का जो निर्णय है वो वाकई सराहनीय है कि किसी को विदाउट पे बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई जाता भी है, मरीज परेशान है, उसका पूरा खर्चा FMEC उठाएगा। ये एक अच्छी बात है। जो पशुपेश की स्थिति में अभी तक पूरी इंडस्ट्री अभी जूझ रही थी, लेबर जूझ रहे थे, उनको ये सहूलियत मिली है तो उनके लिए एक बड़ा ये कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन अनुप बघेल साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।